नमस्कार साथियों, एसएससी जीएस वन में आपका स्वागत है। और आज हम 12वीं क्लास की जो इतिहास है उसका जो पहला पाठ है उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो पहला पाठ है ईंटें मनके और अस्थियाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे भी इसमें कुछ मिलता जुलता है। मेसोपोटामिया के जो लेख है उस लेख में दिलमुन, दिलमुन का मतलब है बहरीन द्वीप, मगान, मगान कहा गया है ओमान को, और मेलुहा, मेलुहा शब्द का यूज हुआ है हड़प्पा के लिए। हड़प्पा को नाविकों का देश भी कहा जाता था। इन सब का आपस में क्या था, समुद्री संपर्क था। और वहां एक हाजा पक्षी का भी वर्णन है। हाजा पक्षी का मतलब है मोर। अब मोहरे और जो मुद्रांकन है, मोहरे और जो मुद्रांकन है वो उनका जो प्रयोग होता था, मुद्रांकन का मतलब है सील हम लगाते हैं, तो इसका प्रयोग काय के लिए होता था, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु। यानी लंबी दूरी पर जो सामान भेजा जाता था तो वो जो बोरा था उस बोरे को रस्सी से बांध के उस पर सील लगाते थे। अगर वो सील सुरक्षित पहुंच गई इसका मतलब उस सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और अगर वो सील बीच में टूट गई है इसका मतलब उस सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। तो ये मुद्रांकन इसलिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था। अब वहां बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं हड़प्पा में। सबसे लंबे अभिलेख जो है उनमें 26 चिन्ह है, और सबसे बड़े जो है उनमें 375 से 400 चिन्ह है। चिन्ह होने के कारण जो अभिलेख है उनकी भाषा को वर्णमालीय लिपि नहीं कह सकते, वर्णमालीय लिपि नहीं कह सकते। और यहाँ दाई ओर ज्यादा चौड़ाई मिली है और बाई ओर कम चौड़ाई मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाई ओर से शुरू होता था तो जगह ज्यादा होती थी, फिर धीरे 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 बाई तरफ आते आते जगह कम पड़ जाती थी। अब हम बात करें जिन वस्तुओं पर लिखावट मिली है, कौन कौन सी वस्तु है जिन पर हड़प्पा सभ्यता में लिखावटें मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, सूचना पट, मर्तबान, लघु पट्टिकाएं, आभूषण और अस्थि छड़े, इन सब में लिखावटें मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साक्षरता क्या थी, व्यापक थी, यानी हड़प्पा के लोग बहुत ज्यादा साक्षर थे। बाट जो होते थे, बाट का मतलब तोलने के साधन, बाट क्या होते थे, घनाकार होते थे, इस टाइप के बाट होते थे, और चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली से नियंत्रित होते थे, और निशान रहित यानी उन पर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था बाटों पर, और द्विआधारी पद्धति यानी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, 32 किलो, इस प्रकार 12,800 तक उनकी संख्या थी। हम बात करें जो ऊपरी मानदंड, यानी जो बाटों का ऊपरी मानदंड था वो 10 मनोर प्रणाली के आधार पर था, और धातु से बने हुए तराजू के पल्ले भी यहाँ प्राप्त हुए हैं, छोटे बाट भी प्राप्त हुए हैं। छोटे बाट का एक तरह से उपयोग था आभूषण और मनकों को तोलने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि जो सुनार होता है, ज्वेलर्स होता है, उसके लिए छोटे छोटे बाट होते हैं जिससे वो आभूषण वगैरह तोलता है। अब शासन के बारे में 2 मत हैं, यानी उस समय हड़प्पा सभ्यता में शासन यानी राजा थे या नहीं थे उसके बारे में 2 राय है। एक तो बोलते हैं कि शासन बिल्कुल नहीं थे, वहां सभी की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति समान थी। और कुछ लोग कहते हैं कि वह कई प्रकार के शासक थे। क्यों? क्योंकि जो विशाल भवन मिला है उसको हम प्रसाद कहे, यानी जो प्रसाद कहा गया, प्रसाद का मतलब राजा का महल। तो जो सेकंड मत है वो ज्यादा प्रभावी है, सेकंड मत का ज्यादा लोग समर्थन करते हैं। लेखन और लंबा व्यापार और शिल्प समाप्त हो गया, और थोड़ा उत्पादन यानी उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का मतलब है विकसित हड़प्पा के बाद अनुवर्ती जो हड़प्पा है, इसे अनुवर्ती और उत्तर हड़प्पा कहते हैं। 1900 ईस्वी पूर्व के बाद क्या हुआ, भौतिक बदलाव हुए। अब भौतिक बदलाव कौन कौन से हुए, बाटों, मोहरों और मनकों का समाप्त होना, लेखन, लंबा व्यापार और शिल्प का समाप्त होना, उत्पादन थोड़ा होना, अब बड़े स्तर पर उत्पादन होना बंद हो गया, आवास निर्माण बंद हो गया, आवास की जो तकनीक थी वो खत्म हो गई, और ग्रामीण जीवन शैली की शुरुआत हुई। अब ये बदलाव क्यों हुए, ये परिवर्तन क्यों हुए? एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण, वनों की कटाई के कारण, वनोन्मूलन के कारण, बाढ़, सूखा, नदियां सूख गई, अत्यधिक भूपयोग, भूमि का बहुत ज्यादा उपयोग होने लग गया, और नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए, इसलिए ये परिवर्तन आए। अब हम बात करें पुरावस्तुएं कैसे प्राप्त होती है, यानी प्राचीन वस्तुएं कैसे मिली, कैसे खोजी गई। तो जब बाढ़
और मिट्टी का कटाव होता है या खेतों की जुताई होती है या खजाने हेतु जो खुदाई होती है उस समय हमें पुरावस्तुएं प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आता है कनिंगम का भ्रम क्या था, कनिंगम कौन था आपको बता दिया था और बता रहा हूँ कनिंगम का भ्रम यानी कनिंगम की समस्याएं क्या थी। तो जो ये भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण है उसके फर्स्ट पहले डीजी थे डायरेक्टर जनरल कौन कनिंगम। इन्होंने क्या किया, एक तो लिखित बातें मानते थे ज्यादातर और छठी ईसा पूर्व से चौथी ईस्वी तक की इनमें क्या थी इसका जो इतिहास था उसका अध्ययन करने की इनमें रुचि थी और चीनी यात्रियों के जो वृतांत थे उन पर ये ज्यादा विश्वास करते थे और कुछ पुरावस्तुएं तो इनके पास पहुंचती नहीं थी और जो पहुंचती थी उनमें ये रुचि ज्यादा नहीं लेते थे। इनके कुछ पूर्वाग्रह थे यानी पहले से धारणा बनाए रखे थे इसलिए हड़प्पा को इन्होंने कई दिनों तक पहचान नहीं कर पाए। अब 20वीं सदी के प्रारंभ में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, इन्होंने दोनों ने क्या किया यहाँ से मोहरे प्राप्त की जो समान दिखाई देती थी। इन आधारों पर 1924 में जो वहाँ उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की पूरे विश्व में घोषणा कर दी। लेकिन इन्होंने भी एक दिक्कत इनके ये थी कि जो टीले थे टीलों के स्तर विन्यास की जगह ये क्षितिज खुदाई की बातें करते थे। अब उसके बाद ये जो समस्या थी ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जो टीला मिलता था कोई भी प्राचीन तो उसको स्तर विन्यास यानी टुकड़ों में अध्ययन करने की जगह पूरे का अध्ययन वो करते थे। इस समस्या का समाधान 1944 में जो डीजी थे उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के REM व्हीलर, इन्होंने स्तर विन्यास की जगह वो जो खुदाई है उसकी जगह स्तर विन्यास का प्रयोग किया और सैनिक परिशुद्धता का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि ये पूर्व ब्रिगेडियर थे। अब हम बात करें विभाजन के बाद, विभाजन के बाद भारतीय पुरातत्व खोजे गए। विभाजन के बाद ज़्यादातर ध्यान भारत की ओर गया कि भारत में जो स्थल है उनको खोजा जाए। तो कच्छ में सर्वे हुआ, पंजाब हरियाणा कालीबंगा लोथल राखीगढ़ी धोलावीरा इन स्थलों की खोज की गई। अब हम बात करें कि इसके बाद 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय रुचि यानी अंतर्राष्ट्रीय लोग भी विदेशी लोग भी आने लगे। 1980 के दशक में विदेशी विशेषज्ञ सूक्ष्म और विश्लेषण अध्ययन करने लगे, नई नई तकनीक का उन्होंने प्रयोग किया और हमारे देशी लोगों के साथ वो मिलकर अध्ययन करने लगे। अब क्वेश्चन है कि खोजों का वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है यानी जितने भी हमें खोज प्राप्त हुई है उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पहला प्रकार है प्रयुक्त पदार्थ यानी जो पदार्थ है उसका उपयोग क्या है इसके आधार पर वर्गीकरण होता था, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, हाथी दांत है, अस्थि है, धातु है। और दूसरा था उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता का मतलब जैसे अनुष्ठानिक प्रयोग में अगर कोई चीज़ काम में आ रही है या कहाँ मिली है, किस घर में मिली है, नाले में मिली है या कब्र में मिली है या भट्टी में मिली है, इस संदर्भ के हिसाब से उसका परीक्षण होता था। और तीसरा होता था अप्रत्यक्ष साक्ष्य यानी किसी और के द्वारा सबूत इकट्ठा करना, जैसे कपास मिला, कपास मिला लेकिन पहनावे का, पहनावे को जानने के लिए क्या किया, जो मूर्तियां हैं मूर्तियों के चित्रण पर हम निर्भर हो गए कि मूर्तियों में क्या पहनावा दिखाया गया है या नहीं। अब प्रश्न आता है कि जो व्याख्या है उसकी समस्या क्या आई यानी जितने भी खोजे हुई उनमें व्याख्या की समस्या क्या थी। व्याख्या जो करते थे, व्याख्या जितनी भी करते थे ये लोग, उसमें हमेशा समस्या इनको आती थी। अब क्या समस्या आती थी, समस्या ये आती थी कि जैसे सर्वाधिक समस्या आई धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में यानी जो धार्मिक प्रथा है उसके लिए जो सामग्री मिली उसको इन्होंने जज करने में थोड़ी दिक्कत इनको आई। जैसे मातृ देवी की मूर्ति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ये जितनी भी चीजें मिली है धार्मिक इन सभी का अलग अलग क्वेश्चन भी आता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। मातृ देवी, मातृ देवी आभूषण से लदी नारी थी जिसकी मृण मूर्ति मिली, इसको मातृ देवी कहा। एक थी अनुष्ठानिक रचना जैसे स्नानागार है, वेदिया है, तो इनको भी धर्म से जोड़ा गया। फिर एक पुरोहित राजा यानी पुरुष की एक दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्ति थी जो एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ है और मुहरों पर अनुष्ठान धार्मिक आस्था बताते हैं। मुहरों पर जो चित्रांकन है वो अनुष्ठान और धार्मिक आस्था बताते हैं। मुहरों पर ही पेड़ पौधे हैं जिससे प्रकृति पूजा का संकेत मिलता है।
और मोहरों पर ही एक सींग वाला जानवर भी मिलता है जिसको एक श्रृंगी कहा गया। ये क्या लगता है? कल्पित लगता है, ऐसा लगता है जैसे कल्पना की गई है। फिर जो लिंग है, लिंग से कहा गया, पत्थर की जो शंकुआकार वस्तु है जो मिली उसे लिंग कहा गया। फिर आदि शिव यानी एक आरंभिक जो देव हिंदू देवता था शिव, उसे आदि शिव कहा गया। कैसे? पालथी मारकर योगी मुद्रा में जानवरों से घिरी एक मूर्ति मिली, उसे क्या कहा गया? आद शिव। अब इसकी हम बात करें व्याख्या की, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या था? सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ था ये। इसकी रचना हुई थी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ये संकलित किया गया। तो सबसे आरंभिक जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें रुद्र का प्रयोग हुआ है, शिव जी के लिए किसका प्रयोग हुआ है? रुद्र का। बाद में क्या बन गए? शिव। शिव के बारे में बाद में शिव के रूप में चर्चित हुए। तो इससे इनकी तुलना की गई पालथी मारकर जो योगी मुद्रा में बैठे थे, लेकिन पशुपति और योगी के रूप में इनको नहीं बताया इसमें ऋग्वेद में। यहां भी समस्या आ गई कि ऋग्वेद में इनको रुद्र तो कहा है लेकिन पशुपति और जानवरों के बीच में घिरे रहने के कारण पशुपति और योगी मुद्रा में बैठे रहने के कारण योगी के रूप में इनको नहीं बताया, तो ये समस्या आई। अब एक शब्द है समन, समन का मतलब है वे लोग जो जादुई इलाज करते हैं और दूसरी दुनिया से संपर्क रखने का दावा करते हैं, यानी उनका संपर्क ईश्वर से डायरेक्ट है। अब इस सभ्यता में एक कमी थी कि स्त्री पुरुष के जो संबंध है उन पर इसमें कम खोज हुई और कम अन्वेषण हुआ, ये भविष्य में होगा। आप इसके बारे में एक वेबसाइट है www.harappa.com, इस पर आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपका 12वीं क्लास का जो पहला पाठ था इतिहास का, उसका दूसरा भाग था। लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी वीडियो है पोल साइंस के, सोशियोलॉजी के, सभी वीडियो पूरे देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जो भी आपको अन्य वीडियो चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।